साथियों, मैं निशा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। तो हम आज फिर से शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसके बारे में समझ लेते हैं हम यहां से। बाफ्टा, इसका कौन सा एडिशन हुआ है इस बार? 77वां। कौन सा? 77वां। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ब्रिटिश अकेडमी, ब्रिटिश अकेडमी ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन एंड आर्ट्स। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है, क्या है? ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन एंड आर्ट्स। इसका ये 2024 में कौन सा संस्करण हुआ है, यानी 77वां। तो ये किसको मिला है? सिलियन मर्फी को। किसको? सिलियन मर्फी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिलियन मर्फी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इंस्टा 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया है? कौन सा? इंस्टा 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ये किया है? इसरो। किसके द्वारा? भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। कहां से किया गया है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के, कहा के? आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। जो इसरो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसरो स्थापना 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु में। जो जैक्सा है, जैक्सा कहां की स्पेस एजेंसी है? तो ये है जापान की। कहां की है? जापान। जो नासा है, ये अमेरिका, यानी कि यूएसए। जो रॉस कॉस्मोस है, कहां की स्पेस एजेंसी है? रूस की। कहां की है? रूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता है? जो हाल ही में कौन सी भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा? गोल्ड मेडल। ये कहां पर हुए थे? मलेशिया में। कहां हुए थे? मलेशिया में। तो कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल कहां हुआ है? हाल ही में फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल कहां हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता में। कहां पर हुआ है? कोलकाता में। अभी हुआ था यहां पे 47वें नंबर का विश्व फिल्म विश्व पुस्तक
मिला। कहां पर हुए थे? कोलकाता में। जो कुरुक्षेत्र है यहाँ पे गीता मेला, कौन सा गीता मेले का आयोजन कहां पर? कुरुक्षेत्र। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कतर ओपन चैंपियनशिप 2023 और 2024 को किसने जीता है? जो हाल ही में कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 है, इसको किसने जीता है? तो ये जीता है ईगा स्वियातेक ने। किसने? ईगा स्वियातेक ने। कहां की है? पोलैंड के। कहां के खिलाड़ी हैं? पोलैंड के। किसको हरा के? एलिना रिवारका को। किसको? एलिना रिवा केना को। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहां हुआ है? जो हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का जो 16वां सम्मेलन है, ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल में। कहां पर हुआ है? नेपाल में। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। यहां पे किसका? सार्क का। सार्क का क्या है? हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू में। यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये कौन है? यहाँ के पीएम है। कहाँ के? नेपाल के। बांग्लादेश के पीएम कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है? टका। क्या है? टका। नेपाल की करेंसी है रुपया। क्या है? रुपया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में विश्व पेंगुलियन दिवस कब मनाया गया है? जो विश्व पेंगुलियन दिवस है, ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 17 फरवरी। कब मनाया गया है? 17 फरवरी को। तो यहां से कुछ इंपोर्टेंट डेट डिस्कस कर लेते हैं। 1 फरवरी को क्या मनाया गया है? इंडियन पोस्ट कार्ड दिवस। क्या? इंडियन पोस्ट गार्ड। दो फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। कब मनाया गया है? 2 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस। 13 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय महिला दिवस। ये क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस? सरोजनी नायडू की याद में। किसकी है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। जो क्या थी? भारत की पहली राज्यपाल। भारत की पहली राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ये कांग्रेस की मतलब पहली महिला कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन सी सन में? 1925 में कानपुर अधिवेशन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, नोवे रायसीना डायलॉग में किस देश के पीएम मुख्य अतिथि रहे हैं?
तो जो रायसीना डायलॉग है ये कहां पर हुआ है? रायसीना, रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग कहां पर हुए है? दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में। जो रायसीना की पहाड़ियां है कहां पर है? दिल्ली में। तो जो रायसीना डायलॉग है ये कहां पर हुए है? दिल्ली में। और जो यहाँ पर पीएम मुख्य अतिथि रहे हैं कौन से देश के रहे हैं? ये रहे हैं ग्रीस के। कहाँ के रहे हैं? ग्रीस के। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। क्या है? एथेंस। करेंसी है यहाँ की यूरो। क्या है? यूरो। यूएसए, यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ की जो करेंसी है वो है डॉलर। क्या है? डॉलर। जो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है? पेरिस। यूएई, यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह नासा और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? किसका? लकड़ी का उपग्रह नासा और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नासा और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा। किसके द्वारा? जाक्सा के द्वारा। जो नासा है कहां की है? यूएसए की स्पेस एजेंसी है। कहां की? यूएसए की। जो इसरो है ये भारत की। जक्सा तो पता ही है जापान। जो रोस्कोस्मोस है ये कहां की स्पेस एजेंसी है? ये है रूस की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% यानी 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? सीएम पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। यहाँ के कुछ दर्रे हैं, बोडमिला, बोमडिला, बोमडिला दर्रा, देफू, वियोयाम। ये क्या है? यहाँ के कुछ दर्रे हैं।